नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रिस्ट पेन यानी कलाई में होने वाला दर्द। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारे पास पेशेंट है उसको कलाई पर पेन है कहाँ, मेरिडियन क्षेत्र का चुनाव करेंगे यानी कलाई का दर्द जो है वो किस मेरिडियन पर है। हम अब देखते हैं कि अगर हमारा कलाई का दर्द इस क्षेत्र में है तो इसका हम आइडिया सीधा सीधा लगाएंगे कि ये एसआई मेरिडियन इधर से गुजर रहा है। अब एसआई मेरिडियन का हमने चुनाव कर लिया कि एसआई मेरिडियन के ऊपर हमारा पेन है रिस्ट में। अब एसआई थ्री लेंगे। अब इस ऊर्जा के महापथ जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, जिस हमारे मित्र को ऊर्जा के महापथ की जानकारी नहीं है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऊर्जा के महापथ को डिटेल से समझाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं ऊर्जा के महापथ के बारे में। अब एसआई का जहाँ से एसआई मेरिडियन समाप्त होता है यानी एसआई मेरिडियन ऊपर से एनर्जी लेकर के आया और जहाँ एसआई मेरिडियन समाप्त हुआ वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की शुरुआत हुई, यानी इस पूरे ऊर्जा के महापथ को इस छोटी अंगुली से लेकर के हाथ की छोटी अंगुली से लेकर के पैर की छोटी अंगुली तक एक पूरा मेरिडियन जाता है, इसे ऊर्जा का महापथ कहते हैं। अब हमें UB 62 बिंदु लेना होगा। अब कुछ लोकल पॉइंट भी लेने होते हैं। लोकल पॉइंट LI4 इसलिए लेंगे कि ये एक पेन किलर का काम करता है, जिस तरह से एलोपैथी में डिक्लोफेनक पैरासीटामोल या एसिलोफेनक पैरासीटामोल आदि जो देते हैं या ब्रूफेन वगैरह, उसी का काम एक्यूप्रेशर चिकित्सा में LI4 करता है। LI4 और LI5 ये लोकल बिंदु लेंगे, LI4 और LI5। अब इसमें चार बिंदु लेंगे कलाई के दर्द में। 3 से 4 सिटिंग में पेशेंट को हमने ठीक होते देखा है इस तरह डायग्नोज बनाने से। SI3 और LI4 अगर हम बिंदु लेंगे तो एक बार रिलैक्स मिल जाएगा, पेशेंट परमानेंट ठीक नहीं होगा क्योंकि ऊर्जा के उस पूरे पथ को खोलना होता है, उसका काम करेगा यूरिनरी ब्लेडर का 62 नंबर बिंदु। तो हम SI3 जहां से जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो V का निशान बनता है, ये SI3 है। इसके बाद में UB 62 जो कि पैर के बाहरी टखने के बिल्कुल नीचे होता है। LI4 जो कि हमारा जो गड्ढा है, खाली जगह है जहाँ से हड्डी की शुरुआत होती है अंगुली के जो इस मेरिडियन क्षेत्र में, LI मेरिडियन क्षेत्र में LI4 और LI5 रिस्ट के बिल्कुल गड्ढे पर। हम एक बिंदु और भी ले सकते हैं लोकल बिंदु जो कि स्पाइनल कोड से रिलेटेड भी होता है, TW5 ट्रिपल वार्मर का 5 नंबर बिंदु जो कि 2 अंगूठा यानी 2 कोन रिस्ट जॉइंट से बाहर की तरफ 1 और 2। तो LI4, LI5, SI3, TW5 और UB 62 जो पैर के बाहरी टखने के बिल्कुल नीचे होता है, इन 5 बिंदुओं से हम कलाई का दर्द 3 से 5 सिटिंग में ठीक कर सकते हैं। मोस्टली अगर कोई लीगामेंट टूटा हुआ ना हो, टेंडन पर किसी तरह की चोट ना आई हो, बोन फ्रैक्चर ना हो, साधारण अवस्था में 5 बिंदुओं से हमने काफ़ी पेशेंट को ठीक होते देखा है। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।